हेलो स्टूडेंट्स, आज रीलोड माइंड विद एमएस एक्सेल के अंदर हम फोर्थ पार्ट स्टडी करेंगे। तो आज के इस पार्ट के अंदर हमने क्या क्या स्टडी करना है, आज हम क्या क्या रीलोड करेंगे माइंड में, हम फॉर्मूला टैब की बात करेंगे, यानी कि फॉर्मूलास कैसे अप्लाई होते हैं एमएस एक्सेल के अंदर, आज हम इसकी डिस्कशन करने वाले हैं, यानी कि फंक्शन लाइब्रेरी की बात करेंगे और उसमें मैथ के फंक्शंस और टेक्स्ट फंक्शंस की आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो सभी स्टूडेंट्स ने ध्यान से आज की इस स्टोरी को सुनना है, समझना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने एमएस एक्सेल से। तो ये मैंने कुछ शीट्स बना रखी हैं, जैसे कि आप देख सकते हो, ये पहली शीट जिसकी हम बात करेंगे। आप देख रहे हो कुछ वैल्यूज आपको नजर आ रही होंगी, पी क्यू आर एस टी यू वी एक्स। तो ये आपके सामने कुछ वैल्यूज नजर आ रही हैं, ए से लेकर एच तक। तो ये कुछ वैल्यूज हैं और इसके अंदर यानी के ये हेडिंग्स दी हुई हैं और इसमें कुछ वैल्यूज डाली गई हैं और ये वैल्यूज के ऊपर आज हम ये फंक्शंस अप्लाई करने वाले हैं। तो ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट इन फंक्शंस की तरफ। तो सबसे पहले हम अप्लाई करेंगे, जैसे हमने जो जो भी ऊपर हेडिंग में लिखा हुआ है उसके बेस पे हम फंक्शन अप्लाई करेंगे, क्योंकि एक्सेल के अंदर बहुत सारे फंक्शन प्रोवाइड किए गए हैं। कौन सा फंक्शन कैसे यूज करना है वो डिपेंड करता है कि हम ये जो वैल्यूज गिवन हैं इनके ऊपर क्या करना चाहते हैं, इनका हमने कैलकुलेशन कैसे करनी है वो हम इस टॉपिक के अंदर जानेंगे। जैसे हमने लिखा है पी प्लस एस प्लस वी, यानी कि हमने सम करना है पी हेड का, एस हेड का और वी हेड का। तो आपने सम फंक्शन सीखा हुआ है, हम सम फंक्शन का यूज करते हैं, लेकिन आपने सम फंक्शन सीखा है जब हम सीरियल ऑर्डर में किसी का सम करते हैं, जैसे P, Q, R, S, तो हम पहले P का एड्रेस दे देते हैं A2, फिर बीच में कॉलन डाल देते हैं, फिर ये S का एड्रेस दे देंगे D2। अगर हमें P, Q, R, S ये रेगुलर कॉलम का अगर प्लस करना होगा तब हम क्या करते हैं, इस सम फंक्शन का यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है, यहाँ पे हमने P कॉलम, S कॉलम और V कॉलम का यानी के बीच में हमने छोड़ छोड़ कर सम करना है। तो अब हम कैसे करेंगे, तो आपने इक्वल टू सम लिखना है, ब्रैकेट स्टार्ट करनी है और आपने पहले सेल का एड्रेस दे देना है, यानी के हमें A2 यानी के इस P का सम करना है। तो हम इसके P के नीचे जो पहली वैल्यू है A2 इसका एड्रेस देंगे, उसके बाद आपने कॉमा डालना है। अगर हमने अलग अलग कॉलम का सम करना हो तो आपने बीच में कॉमे डालते चले जाना है। और जैसे अब हमें एस का करना है तो हम ये D2 को सिलेक्ट कर लेंगे, तो ये देखिए यहाँ पे D2, तो आपने कॉमा फिर डालना है, फिर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे G2 और इस कॉलम को, इसको ब्रैकेट को बंद एंटर करेंगे, तो इसने P, S और V का टोटल लगा दिया है। तो इस तरीके से हम सम फंक्शन को यूज कर सकते हैं जब हमें अलग अलग कॉलम का सम करना होता है। ऐसे ही अगली ऑप्शन है, जैसे कि आप देख रहे हो हमें मल्टीप्लिकेशन करनी है, P मल्टीप्लाई बाय Q मल्टीप्लाई बाय R मल्टीप्लाई बाय S, हमें इनको मल्टीप्लाई करना है। पहले हम इक्वल टू प्रेस करेंगे, ये तो करना ही करना है क्योंकि बिना इक्वल टू के कोई फार्मूला नहीं लगेगा। तो उसके बाद आपने प्रोडक्ट का लिख देना है, प्रोडक्ट और ब्रैकेट स्टार्ट करनी है और इसके बाद आपने पी क्यू आर एस इन चार कॉलम की वैल्यू का, ये रेगुलर कॉलम है तो आप वैसे ही एड्रेस दे सकते हो। तो हम ये प्रोडक्ट फंक्शन का यूज करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया सम करना हो तो सम फंक्शन और प्रोडक्ट करना हो तो प्रोडक्ट फंक्शन, लेकिन हमने ये रेगुलर सेल का करना है यानी के मल्टीप्लिकेशन करना है, तो हम पहले सेल का एड्रेस दे देंगे A2 और उसके बाद हम डाल देंगे कॉलन और उसके बाद हम देंगे इसका अगले यानी के S सेल का D2। तो ये जब हमें रेगुलर कॉलम को प्लस या मल्टीप्लाई करना हो तो हम ऐसे पहले सेल का एड्रेस और बीच में कॉलन डाल के लास्ट सेल का एड्रेस देंगे, एंटर करेंगे, तो आप ये देख सकते हो इसने प्रोडक्ट कर दिया है। तो इस तरीके से हम ये प्रोडक्ट करते हैं। तो मेरे ख्याल से एवरीवन क्लियर इस बात को आपको समझ में आ गई होगी। तो आगे चलते हैं, आगे है पी टी वी, यानी कि हमें P कॉलम का, T कॉलम का और V कॉलम की मल्टीप्लिकेशन करनी है। तो यहाँ भी हम प्रोडक्ट लगाएंगे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा फर्क पड़ गया कि जो हमें मल्टीप्लिकेशन करनी है अलग अलग कॉलम की करनी है। तो जैसे सम फंक्शन लगाया था वैसे ही करेंगे, पहले
सेल को सिलेक्ट करेंगे क्योंकि पी का मल्टीप्लिकेशन करना है, कॉमा डालेंगे, फिर हम टी का मल्टीप्लिकेशन करना है, फिर हम कॉमा डालेंगे, फिर हमें वी का मल्टीप्लिकेशन करना है, फिर हम ब्रैकेट एंटर करेंगे। तो ये देखिए इसने मल्टीप्लिकेशन कर दी है। तो ऐसे हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये एक बार आपने फॉर्मूला लगा दिया, उसके बाद ये जो पहले हमने सम किया था, आपको कहोगे कि सर आपने बाकी वैल्यूज का सम तो किया नहीं, तो आपने यहां से ये छोटा सा जो बॉक्स बना है यहां से ड्रैग करके बाकी का सम कर देना है। ये बेटा ड्रैग करके आपने यहां से बाकी की मल्टीप्लिकेशन और यहां से ये जो हमने कॉलम मल्टीप्लाई किए हैं इनको मल्टीप्लाई कर देना है। तो ऐसे आप ड्रैग करके कर सकते हो। एक बार हमें फॉर्मूला लगाना पड़ता है। तो यहाँ इक्वल टू हमें एवरेज निकालनी है, तो हम एवरेज फंक्शन यूज करेंगे जब हमें किसी भी चीज की एवरेज निकालनी होती है। एवरेज का मतलब कि जितने कॉलम हम ऐड करेंगे, तो हमें जितने कॉलम ऐड करने हैं उसको वो उतने नंबर से डिवाइड कर देगा। यानी कि अगर हम 5 कॉलम ऐड करेंगे तो हम 5 से डिवाइड कर देंगे तो एवरेज निकल आएगी। जैसे हमें P Q R S T U V, यानी कि ये रहा P Q R S T U V, इन कॉलम की एवरेज निकालनी है। यानी कि इन सभी कॉलम को पहले प्लस करेंगे, तो ये जितने कॉलम बनेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, और ये जो टोटल आएगा ये इसको 7 से डिवाइड कर देगा। आपने कुछ नहीं करना, आपने सिर्फ एवरेज फंक्शन लगाना है। मैं तो ये आपको समझा रहा था कि एवरेज फंक्शन काम क्या करता है, यानी कि ये जितने भी कॉलम के अंदर वैल्यूज हैं, पी के अंदर, क्यू के अंदर, आर एस टी यू वी, हम चाहते हैं ये इनकी एवरेज निकाले। जैसे आप स्कूल में जब पास हो जाते हो तो आपके मार्क्स आते हैं, तो आप अपनी एवरेज निकालते हो कि आपके एवरेज मार्क्स कितने आए हैं, तो वैसे हम इसको एवरेज करते हैं। तो कैसे, आपने सिंपली एवरेज फंक्शन लगाना है, और ये रेगुलर कॉलम है जिनकी एवरेज निकालनी है। तो आपने पहले सेल का एड्रेस देना है, कॉलन डालना है, और उसके बाद आपने लास्ट जिस सेल का हमने जहां तक ये सम यानी कि एवरेज निकालना है उसका एड्रेस देके आपने बंद कर देनी है, ब्रैकेट एंटर करना है, तो ये आपकी एवरेज निकाल देगा। जैसे देख सकते हो इसने आपकी ये एवरेज निकाल दी है, और ड्रैग करके आप ऐसे बाकी सभी की एवरेज निकाल सकते हो। तो इस तरीके से हम ये एवरेज निकालते हैं। आगे हमने निकालना है P2। P2 का मतलब पावर ऑफ 2, पावर ऑफ P, P की पावर है 2, यानी कि हमें P को 2 बार मल्टीप्लाई करना है, P की पावर 2 निकालनी है। ये आपने मैथ के अंदर पढ़ा होगा। तो हम पावर फंक्शन का यूज करेंगे, यहाँ पे पावर निकालनी है हमें, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, तो जिस नंबर की हमें पावर निकालनी है, हमें P की पावर निकालनी है यानी कि A2 की, तो हम इसका एड्रेस देंगे, उसके बाद आपने कॉमा डालना है, और उसके बाद ये आपसे पूछ रहा है कि ये जो आपने पावर निकालनी है, ये देखिए लिखा हुआ है कि अब आप डालिए कि आपने पावर कितनी निकालनी है। A2 तो हमने डाल दिया कि हमने P की पावर निकालनी है 2, तो यहाँ पे हम 2 लिखेंगे। अगर पावर 3 निकालनी है यानी कि P की पावर 3, तो हम यहाँ पे 3 लिख देंगे, तो यहाँ हम 2 लिख देते हैं कि हमें पावर 2 तक निकालनी है। तो आप 2 तक निकालिए, 3 तक निकालिए, 4 तक निकालिए, 5 तक निकालिए, 6 तक निकालिए, 10 तक निकालिए, ये हमारे पे डिपेंड करता है कि हमें कहाँ तक निकालनी है। तो आप एंटर कर दीजिए, उसके बाद ये आपकी पावर निकल आएगी, और इसको आप ड्रैग करके इसको नीचे तक ड्रैग कीजिए, तो आप देखोगे कि आपका आंसर, देखिए P की पावर 2 निकाला हमने, 81, 625, 16, 1296, तो ये इसने इनकी पावर निकाल दी है। तो मेरे ख्याल से आप सभी स्टूडेंट को ये कहानी जो है क्लियर हो गई होगी कि कैसे हम ये पावर निकालते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, उसके बाद हम निकालेंगे स्क्वायर, SQRT, और उसके बाद स्क्वायर का मतलब होता है कि हमने इसका अंडर रूट निकालना है। जैसे 9 का स्क्वायर रूट होता है 3, 25 का स्क्वायर रूट होता है 5, तो ऐसे हमने इसका स्क्वायर रूट निकालना है। यहाँ पे हम कर्सर रखेंगे इक्वल टू, और हमने P का स्क्वायर रूट निकालना है, यानी कि P कॉलम का जो जिसके अंदर P हेडिंग है, तो उसका निकालेंगे। यहाँ पे आपने SQRT ही लिखना है, ब्रैकेट स्टार्ट करनी है, और जिस
आपने सेल का यानी कि जिसका आपने निकालना है स्क्वायर रूट, तो उसका आपने एड्रेस दे देना है, जैसे हमने ये इसका एड्रेस दे दिया। उसके बाद आपने ब्रैकेट बंद कर देनी है, देन आप एंटर करोगे तो आप देखोगे ये स्क्वायर रूट निकल आया, इसने अपने आप स्क्वायर रूट डाल दिया है। और इसको आप ड्रैग करके ऐसे यहां से बाकी जितने भी वैल्यूज हैं उनका स्क्वायर रूट आ गया है। जैसे ये देखिए 25 का स्क्वायर रूट 5, 4 का स्क्वायर रूट 2, 36 का 6, 49 का 7, तो ऐसे इसने सारे स्क्वायर रूट निकाल दिए हैं। तो मेरे ख्याल से समझ आई आप बात आपको। तो आगे है मोड। मोड भी बड़ा ही इंटरेस्टिंग ये कॉन्सेप्ट है। इसके अंदर क्या होता है, ये इस फंक्शन के अंदर आपने क्या करना है, ये आपका रिमाइंडर निकाल के दिखाएगा। जैसे मैं पी को क्यू से डिवाइड करता हूं, यानी कि 9 को मैं 6 से डिवाइड करूंगा, जो रिमाइंडर आएगा ये मोड फंक्शन हमें वो निकाल के दिखाएगा। तो आपने यहाँ पे कर्सर रख के इक्वल टू प्रेस करना है और यहाँ पे लिख देना है आपने मोड, ठीक है, कि हमें रिमाइंडर निकालना है, MOD, यानी कि आपने नंबर सेलेक्ट करना है, पी यानी कि ये नंबर है हमारा जो जिससे हम जिस नंबर को ये नंबर हमने डाल दिया यानी कि जिससे हम ये डिवाइड करेंगे, उसके बाद हम कॉमा डालेंगे, पहले नंबर डालना है, फिर आपने डिवाइजर डालना है जिससे हम डिवाइड करने वाले हैं, 9 नंबर जिसको डिवाइड करेंगे, और ये जो क्यू के नीचे वैल्यू है 6, इससे हम डिवाइड करने वाले हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा डिवाइजर। तो हम मोड के अंदर क्या डालते हैं, दो एड्रेस डालते हैं, पहले नंबर जिसको डिवाइड करना है, फिर कॉमा डालना है, फिर डिवाइजर जिससे डिवाइड करना है, ब्रैकेट बंद, एंटर। तो ये देखिए इसने रिमाइंडर 3 निकाल दिया। अगर आप 9 को 6 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 3 आएगा। अगर आप चाहें तो आप नोटबुक के ऊपर बना के देख सकते हो, ऐसे ही ड्रैग करके अगर हम बाकी रिमाइंडर निकालेंगे तो ये देखिए बाकी रिमाइंडर हमने निकाल दिए हैं। तो इस तरीके से हम ये रिमाइंडर निकालते हैं। तो मेरे ख्याल से आप सभी स्टूडेंट्स को ये रिमाइंडर की कहानी समझ में आ गई होगी कि कैसे हम ये रिमाइंडर निकालते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे की कहानी डिस्कस करेंगे। अब चलेंगे नीचे। नीचे देखिए कुछ फंक्शन मैंने नीचे भी लिख रखे हैं, मैक्स, मिनिमम, काउंट, सम इफ। तो अब हम इन फंक्शंस की बात करने वाले हैं। पहले बात कर लेते हैं मैक्स फंक्शन की। मैक्स नाम से ही पता चल रहा है कि हमें मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। अगर मैं चाहता हूं ये जो पी कॉलम है, ये जो पी कॉलम है इसके अंदर जितनी भी वैल्यूज हैं इसमें से ये मैक्सिमम वैल्यू निकाल दे, तब हम इस मैक्सिमम फंक्शन का यूज करेंगे, MAX ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और हम पहले सेल का एड्रेस देंगे यानी के A2, फिर हम कॉलन डालेंगे और उसके बाद हम देंगे लास्ट सेल का एड्रेस यानी के P12 और इसको बंद कर देंगे, ब्रैकेट को एंटर करेंगे। तो आप देखोगे इसने क्या कर दिया है, इसमें से मैक्सिमम वैल्यू निकाल के हमें दे दी है। आप देख सकते हो मैक्सिमम वैल्यू 121 है, तो ये सारे नंबर में जो मैक्सिमम वैल्यू होगी ये हमें निकाल के देगा। ऐसे ही हम मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हैं, वेरी सिंपल, हम क्यू में से मिनिमम वैल्यू निकालेंगे, हमने पहले सेल का एड्रेस दे दिया कॉलन, उसके बाद आपने ये लास्ट सेल का एड्रेस दे देना है और ब्रैकेट बंद कर देनी है, एंटर करोगे तो ये देखिए इस क्यू पूरी जो वैल्यूज हैं इसके अंदर सबसे मिनिमम वैल्यू आप देख सकते हो कितनी है, वो उसने हमें निकाल के दे दी है। तो ऐसे हम मीन MIN मिनिमम फंक्शन का यूज करते हैं। तो बहुत ही सिंपल कहानी। आगे है काउंट। काउंट का मतलब होता है कि ये काउंट करेगा कि हमारी जो वैल्यूज हैं वो टोटल कितनी है। हमें एड्रेस देना है, जैसे हम लिखेंगे काउंट और ये हम R का पहले सेल का एड्रेस दे देते हैं, कॉलन डाल के लास्ट सेल का एड्रेस दे देते हैं, तो ये हमें बताएगा ये जो हमने सेलेक्ट किया है C2 से लेकर C12 तक इसके अंदर टोटल वैल्यूज कितनी है, ये काउंट करके बताएगा। जैसे आप काउंट कर लीजिए इसके आंसर निकालने से पहले, तो आप देखोगे इसके अंदर टोटल 11 वैल्यूज है। तो ये हमें टोटल बताता है कि जो हमने सेलेक्ट किया है उसके अंदर टोटल वैल्यूज कितनी है, यानी कि जो हमने एड्रेसेस डाले हैं स्टार्टिंग और आखिरी एड्रेस उसके अंदर जितनी भी वैल्यूज आएंगी वो हमें बताएगा उसके अंदर टोटल वैल्यूज कितनी है। तो मेरे ख्याल से आपको कहानी क्लियर है। उसके बाद इक्वल टू हम यूज करेंगे, उसके बाद हम यहां पे लिखेंगे सम इफ, सम इफ लिखेंगे और यहां पे हम देंगे कि हमें सम इफ कब यूज करते हैं,
हम अभी तक आप सम फंक्शन का यूज कर चुके हो। सम फंक्शन हम कहाँ यूज करते थे, जहां पे हमें जितनी भी वैल्यूज हम सम के अंदर लिखते थे, यानी कि जो एड्रेस लिखते थे वो उनका सम कर देता था। लेकिन अगर आप सम करना चाहते हो, लेकिन आपकी सम करने में कंडीशन है, सम इफ, वो सम तब करे जब हम कंडीशन देंगे, वो कंडीशन अगर सेटिस्फाइड होगी तो हम सम इफ लिखेंगे। पहले हम वही कहानी, सम इफ के अंदर पहले हम एड्रेस देंगे, हमें सम किस नंबरों का करना है, D2 कॉलन डालेंगे, उसके बाद हम इसके अंदर लास्ट सेल का एड्रेस देंगे। जैसे हमें D2 से लेकर हमें D12 तक सम करना है, तो इसके बाद आपने कॉमा डालना है। तो सम के अंदर हम सिर्फ इतना ही देते थे कि D2 कॉलन D12, तो वो D2 से लेके D12 तक की जितनी वैल्यू है सम कर देगा। लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा फर्क है, इसमें है सम इफ। सम इफ का मतलब ये सम कब करे, कब इसको सम करना है। तो आपने सम इफ लिखा है, तो आपने पहले ये वैल्यूज को सिलेक्ट कर लिया कि इसका सम करना है, और इसके बाद आपने इन्वर्टेड कॉमा के अंदर अपनी कंडीशन देनी है, कॉमा डाल के D2 कॉलन D12 की उसने इन वैल्यूज का सम करना है। लेकिन सभी वैल्यू का सम नहीं करना, हम जो कंडीशन देंगे उस बेस पे सम करना है। तो वो कंडीशन आपने पहले कॉमा डालना है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। जैसे मैं लिख देता हूं ग्रेटर देन 20, कि जो वैल्यूज 20 से ऊपर हैं सिर्फ उनका सम करें। इनका सम करे जिनकी वैल्यूज 20 से ऊपर है, सिर्फ उनका सम करे, तब हम इस सम इफ फंक्शन का यूज करते हैं। तो कहानी समझ में आई। अगर अकेला सम यूज करोगे तो जितनी भी वैल्यू आपकी ये देख रहे हो, ये सारी वैल्यू का सम करेगा। लेकिन हम नहीं चाहते ऐसा, ये सारी वैल्यूज जोड़े, हम चाहते हैं कि जो वैल्यू 20 से ऊपर है। तो हमने कौन सा अब फंक्शन यूज करना है, सम इफ D2 कॉलन D12, कि ये सारे कॉलम को सिलेक्ट कर ले, यानी कि इन सभी सेलों को सिलेक्ट कर लिया इसने। लेकिन उसके बाद हमने कॉमा डाल के कंडीशन डाली, इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट किए, ग्रेटर देन 20, यानी कि जो वैल्यूज ग्रेटर देन 20 हैं, और फिर हमने इन्वर्टेड कॉमा बंद किया, सिर्फ उन्हीं का टोटल करे, ब्रैकेट बंद कर दे। तो आप देख सकते हो, ध्यान से इसको देख लीजिए, आप एंटर करोगे तो ये देखिए जो वैल्यू 20 से ऊपर है उसने उसी का सम किया है। जैसे 21, 25, 32, 22, तो अगर आप इनका टोटल लगा के देखोगे तो इनका सम बनेगा 100। तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर है, तो कहानी समझ आई सम की इफ की। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये एक शीट मैंने और बना रखी है, इसके ऊपर हमारे कुछ मैथ के और फंक्शन हैं। आपने जब आप छोटे थे, यानी कि पढ़ रहे थे 10th में, 8th में, 9th में, 6th में, या अभी भी अगर आप पढ़ रहे हो इन क्लासेस में, तो वहां पे ये राउंड डाउन राउंड अप हमें सिखाया जाता है। तो ये राउंड फंक्शन हम यूज करेंगे, तो ध्यान से देखिएगा। पहले हम राउंड फंक्शन यूज करेंगे। राउंड का मतलब होता है कि ये जो आप वैल्यू देख रहे हो एक्स में पड़ी है, इन वैल्यूज को देखिए, 4.90, हम इसको राउंड ऑफ करना चाहते हैं, यानी कि डेसिमल खत्म करना चाहते हैं, लेकिन राउंड ऑफ के जरिए। ये जो 0.90 है, 0.41 है, 0.66 है, 0.77 है, 0.45 है, इन राउंड ऑफ को हम खत्म करना, यानी कि इनको पॉइंट्स को खत्म करना चाहते हैं इस राउंड ऑफ फंक्शन के जरिए। तो हम इक्वल टू प्रेस करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे राउंड, और ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे हम एड्रेस देंगे A2, ठीक है, कि हमें इसका राउंड ऑफ करना है। फिर आपने कॉमा डालना है, तो इसमें दो वैल्यूज पूछेगा, पहले हमने एड्रेस दिया कॉमा, अब ये पूछेगा राउंड ऑफ कितने डिजिट तक करना है। अगर आप 0 लिखोगे तो यानी कि हमें सारे डेसिमल खत्म करने हैं, अगर आप 1 लिखोगे यानी कि आंसर आना चाहिए 1 डेसिमल तक, जैसे कि 4.9, 3.4। अगर मैं यहाँ पे 2 डाल दूंगा यानी कि आंसर आना चाहिए 2 डेसिमल तक, 4.90, जैसे 3.41, ये ऑटोमेटिकली 2 डेसिमल तक तो आ ही रहा है। तो ऐसे आप यहाँ पे दे सकते हो, यहाँ पे हम 0 दे देते हैं कि ये डेसिमल को खत्म कर दे। तो आप एंटर करोगे तो ये देखिए, आपको पता है, आपने पढ़ा हुआ है कि अगर वैल्यू 4.5 से अबव होती है, यानी कि 0.5 से अबव होती है, तो वो ऊपर की तरफ राउंड ऑफ करता है, जब आप अकेला राउंड फंक्शन यूज करोगे। जैसे ये 4.90 है तो ये आंसर 5 लिखेगा, जैसे ये 3.4 है, 0.4,
यानी कि 0.5 से कम है, तो ये अब इसका आंसर 3 लिखेगा। तो आप ड्रैग करके देख सकते हो, ये देखिए इसका आंसर 3 लिखा, ये 2.6 है यानी कि पॉइंट के बाद 6 है, तो ये 0.5 से ज्यादा है, तो इसका आंसर ये 3 लिखेगा। यानी कि अगर वैल्यू 0.5 से ज्यादा तो आंसर वो प्लस कर देगा, यानी कि वो इंक्रीज करके लिखेगा, और अगर कम है तो वो पॉइंट्स को खत्म कर देगा और जो ये 6 है ये इसको लिखेगा। तो ये कहानी समझ में आई कि अगर 0.5 से ज्यादा है तो ये जो 6 है ये 7 हो जाएगा, ठीक है, और अगर ये 0.5 से कम है तो पॉइंट्स खत्म हो जाएंगे, वैल्यू सिर्फ आएगी 6, जैसे इस 7 केस में है 7.45, 0.4 है ये, तो ये मतलब 0.5 से कम है तो इसका आंसर 7 आएगा, ये पॉइंट्स खत्म कर देगा। तो कहानी आपको क्लियर है, तो इस तरीके से ये आप आंसर देख सकते हो राउंड के अंदर क्या करता है। आगे ऑप्शन है राउंड डाउन। राउंड डाउन के अंदर क्या करता है, ये वैल्यूज को डाउन की तरफ राउंड करेगा, यानी कि ये इग्नोर कर देगा कि वैल्यू 0.5 है या 0.5 से ज्यादा है या 0.5 से कम है, इसने नीचे की तरफ ही राउंड ऑफ करना है। कैसे, पहले हम एड्रेस दे देते हैं, जैसे कि हमें इसको राउंड डाउन करना है, कॉमा 0 तक राउंड डाउन करना है, ये कहानी वही है, 0 तक करना है, 1 डेसिमल तक करना है, 2 डेसिमल तक करना है, तो हमें 0 तक करना है, आप एंटर करोगे तो ये देखिए इसने ये नहीं देखा कि ये 0.5 है, क्योंकि ये राउंड डाउन फंक्शन है, इसने नीचे की तरफ ही राउंड करना है, यानी कि जितने भी पॉइंट्स है वो खत्म कर देने हैं, और जो ये पॉइंट्स के लेफ्ट साइड पे वैल्यू है 4, 3, 2, 6, 7, ये हमारे आंसर आ जाएंगे, क्योंकि इसने सारे पॉइंट खत्म कर देने हैं और इग्नोर करना है कि ये 0.5 से ज्यादा वैल्यू है, ठीक है। अगर जैसे इस केस में इसने 0.5 से अगर अबव था तो 5 कर दिया, और अगर 0.5 से कम था तो इसने उस पॉइंट्स को रिमूव करके आंसर लिख दिया 3, लेकिन इसके अंदर क्या होगा, ये नीचे की तरफ ही राउंड ऑफ करेगा। आगे ऑप्शन है राउंड अप। तो नेक्स्ट ऑप्शन बड़ी ही इंटरेस्टिंग, राउंड अप, नाम से ही पता चल रहा है, अब तो आप तो इंटेलिजेंट स्टूडेंट हो तो आपको तो कहानी समझ में आ गई होगी। तो ये राउंड अप, ऊपर की तरफ राउंड अप करेगा, तो आपने ब्रैकेट स्टार्ट करनी है और उसके बाद आपने पहले सेल का एड्रेस दे देना है, कॉमा डालना है, उसके बाद आपने वही कहानी 0 तक राउंड अप करना है, एंटर, तो ये ऊपर की तरफ राउंड अप करेगा, यानी कि ये पॉइंट ये नहीं देखेगा पॉइंट के बाद 0.5 है या 0.4 है, 0.3 है, ये जितने भी हमारी वैल्यूज हैं एक एक इंक्रीमेंट कर देगा, जैसे 4 का 5, 3 का 4, 2 का ये 3 बना देगा, 6 का 7, 7 का 8, यानी के ऊपर की तरफ राउंड ऑफ करेगा। तो आप देख सकते हो ड्रैग करके इसको, इसने ऊपर की तरफ राउंड ऑफ कर दिया है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी। आगे है एम राउंड। एम राउंड क्या करता है, ये मल्टीपल राउंड बोलते हैं इसको, जब हमें पॉइंट से यानी के कोई नंबर को राउंड ऑफ करना होता है, जैसे ये 500 है, इसको हम राउंड ऑफ करेंगे, इसका एड्रेस सेलेक्ट करेंगे, कॉमा, हम इसको 100 तक, 100 के मल्टीपल बनाना चाहते हैं इन सभी वैल्यूज को, कैसे, जैसे मैंने यहाँ पे 100 डाल दिया, यानी के इसमें हम ये देते हैं कि हमें ये जो वैल्यूज है 10 के मल्टीपल बनानी है, 100 के मल्टीपल बनानी है, या 1000 के मल्टीपल बनानी है। अगर मैं यहाँ पे दे देता हूँ कि ये B2 कॉमा 100, तो ये इन सभी वैल्यूज को 100 का मल्टीपल बना देगा, जैसे अगर आप 500 को 100 से डिवाइड करोगे तो 5 आएगा, अगर आप ये 430 है, ठीक है, तो ये 100 का मल्टीपल नहीं है, जैसे कि आप देख रहे हो 100 मल्टीप्लाई बाय 1, 100 मल्टीप्लाई बाय 2, 100 मल्टीप्लाई बाय 3, 100 मल्टीप्लाई बाय 4, 400 होता है ना, लेकिन ये 30 ज्यादा है, इसके अंदर 30 ज्यादा है, तो ये 30 को रिमूव कर देगा, यानी कि अगर वैल्यू 50 से कम होगी तो ये इसका आंसर 400 आएगा, अगर यही वैल्यू 50 से ज्यादा होगी, यानी कि 400 के बाद की जो ये 30 वैल्यू है, ध्यान से समझिए, 400 के बाद की जो 30 वैल्यू है, अगर ये क्या होगी 50 से ज्यादा होगी तो आंसर 500 आएगा, अगर 50 से कम होगी तो ये जो 30 वैल्यू है इसको रिमूव कर देगा, इसको बोलते हैं मल्टीपल, कि हमें सभी वैल्यू को 100 का मल्टीपल बनाना है। ये देखिए इसने 400 लिख दिया, अब ये 400 आप अगर डिवाइड करोगे 100 से, या 100 × 1, 100 × 2, 100 × 3, 100 × 4, यानी के 100 × 4 करोगे, तो ये क्या है
फोर का मल्टीपल है और ऊपर ये फाइव का मल्टीपल है, लेकिन ये 430 फोर का मल्टीपल नहीं है और इसने राउंड ऑफ करके उसको 30 को रिमूव कर दिया है। अगली वैल्यू देखिए, ये 660 है, यानी कि ये 6 का मल्टीपल नहीं है क्योंकि पीछे 60 है, तो ये 60 50 से ज्यादा है, तो ये क्या करेगा एम राउंड, इसको 700 बना देगा। क्या करेगा इसको, ये 700 बना देगा। आगे की वैल्यू जो है इसको 700 बनाएगा, उससे आगे की वैल्यू देख सकते हो उसको 900 बनाएगा, आगे की वैल्यू को 400 बनाएगा, आगे की वैल्यू को 1000 बनाएगा, आगे 500 बनाएगा, आगे 600, ऐसे ये मल्टीपल कर देगा, यानी कि जो 100 के मल्टीपल नहीं है उनकी जो एक्सेस वैल्यू है उनको या तो नंबर को इंक्रीज कर देगा या उस वैल्यू को खत्म कर देगा। तो कहानी आपको क्लियर है, मेरे ख्याल से एम राउंड की कहानी आपको समझ में आई। तो इस तरीके से हम ये मैथमेटिकल फंक्शंस यूज करते हैं, तो ध्यान से इन फंक्शंस को समझते रहिए। तो चलिए अब हम टेक्स्ट फंक्शंस की बात करते हैं कि कैसे हम टेक्स्ट फंक्शंस को यूज करते हैं। तो ये अब आप शीट देख रहे हो जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही है, जिसके अंदर आपको कुछ नेम दिए हुए हैं, जैसे कि ये कुछ नेम लिखे हुए हैं, राजन कुमार, सुमित, गगन, रवि, और इनके एड्रेसेस दिए हुए हैं, फोन नंबर दिए हुए हैं, इनके फादर नेम है हमारे पास, और ये क्लास दी हुई है, यानी कि ये एक स्टूडेंट्स की हमारे पास डिटेल है। तो इनके ऊपर हम अपने फंक्शंस यानी कि टेक्स्ट फंक्शंस अप्लाई करेंगे, तो आपने इनको भी ध्यान से देखना है। तो सबसे पहले हम इक्वल टू, तो ऊपर है ये लेफ्ट फंक्शन, यानी के लिए लेफ्ट फंक्शन कैसे काम करता है, जब हमने किसी भी टेक्स्ट में से, यानी के जैसे ये आप देख सकते हो, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आप टेक्स्ट देखिए, ये जो नाम लिखा हुआ है राजन, जैसे हम ये राजन, सुमित, गगन, रवि, और ये जो नाम लिखे हुए हैं और इनके पीछे जो इनकी कास्ट लिखी हुई है, कुमार, जैन, वर्मा, कुमार, गोयल, गुप्ता, सिंगला, तो हम इनको अलग करना चाहते हैं, यानी कि हम चाहते हैं राजन वर्ड अलग हो जाए किससे, कुमार से। तो इसके लिए जब हमें किसी वर्ड को निकालना हो किसी टेक्स्ट में से, उसके लिए हम ये लेफ्ट फंक्शन का यूज करते हैं, इक्वल टू लिखेंगे, LEFT लिखेंगे, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, और उसके बाद हम ये एड्रेस दे देंगे राजन कुमार यानी के A2, और उसके बाद कॉमा डालेंगे हम, और उसके बाद ये हमसे पूछ रहा है कि हमने कितने करेक्टर इसमें से निकालने हैं लेफ्ट में से। लेफ्ट का मतलब RAJAN, हमें ये लेफ्ट में से ये 5 वर्ड निकालने हैं, तो कोमा आपने 5 लिख कर ब्रैकेट बंद कर देनी है, एंटर करना है। तो ये देखिए, ये पहले 5 करेक्टर हमें निकाल के दे देगा लेफ्ट में से, यानी कि जब हमने अपने एक टेक्स्ट में से कुछ करेक्टर को, लेफ्ट के करेक्टर्स को बाहर निकालना हो, यानी कि उनको अलग करना हो, तो इक्वल टू हमें ये हर सेल के ऊपर अप्लाई करना पड़ेगा लेफ्ट, क्योंकि हर सेल के अंदर आप देख रहे हो अलग अलग नाम है, किसी में 5 करेक्टर हैं, जैसे अगले में भी 5 करेक्टर हैं, तो आप ड्रैग कर सकते हो, जहां तो सेम करेक्टर निकालने हैं, अगले में भी 5 है तो आप ड्रैग कर सकते हो, ऐसे आपको फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं, सुमित निकाल दिया, अगले में भी 5 है तो आप इसको भी ड्रैग कर सकते हो, ये निकाल देगा, और अगले में 4 है तो आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा LEFT, उसके बाद ब्रैकेट, आपको ये एड्रेस देना है, कॉमा डालना है, उसके बाद आपने 4 लिख देना है और ब्रैकेट क्लोज, तो आप देखोगे उसने रवि बाहर निकाल दिया। ऐसे ही आगे सचिन, इसके अंदर 6 करेक्टर है, तो आपने लिखना है इक्वल टू, फिर लिखना है लेफ्ट, और उसके बाद आपने ये एड्रेस देना है और कॉमा डालना है, और यहाँ पे लिखना है 6 ब्रैकेट बंद, एंटर। तो ये देखिए सचिन उसने बाहर निकाल दिया है उसको। आगे है ये पवन, फिर हम लिखेंगे, इसमें 5 करेक्टर है लेकिन अभी हमने 6 निकाले थे, तो हमें ये दोबारा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, क्योंकि अभी हम 6 निकाल के हटे हैं, तो ये हमें दोबारा फॉर्मूला लगाना होगा। तो ये हमने 5 करेक्टर निकालने हैं, तो आप ऐसे निकाल सकते हो, इसके अंदर 6 करेक्टर है तो हमें फिर अगेन फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। तो आप ऐसे एड्रेस देते जाइए, कॉमा, जितने करेक्टर आपने लेफ्ट से निकालने हैं, जैसे 6 करेक्टर, तो आपने 6 लिख के एंटर, तो ये 6 करेक्टर बाहर। और ऐसे ही अगला फंक्शन है लेन फंक्शन। लेन का मतलब होता है लेंथ काउंट करना, यानी कि ये हमें बताएगा जो सेल हम एड्रेस
का सिलेक्ट करेंगे, यानी कि सेल का जो भी एड्रेस हम सिलेक्ट करेंगे उसके अंदर कितने करेक्टर है ये हमें बताएगा। लेंथ ब्रैकेट स्टार्ट, ये हम पहले सेल का एड्रेस दे देते हैं जैसे कि A2, और हम ब्रैकेट बंद करेंगे। बस आपने जिस सेल के अंदर टेक्स्ट लिखा हुआ है उसका एड्रेस देना है, और उसके बाद ये आपको बताएगा इस टेक्स्ट के अंदर, यानी कि ये जो इसने सिलेक्ट किया है A2 राजन कुमार, इसमें कितने करेक्टर है। इसमें आप काउंट कर सकते हो विद स्पेस, ये काउंट करेगा। देखिए राजन के अंदर 5 करेक्टर, कुमार के अंदर 5 करेक्टर, और इनके बीच में एक स्पेस है, क्योंकि स्पेस भी एक करेक्टर होती है, इसीलिए ये स्पेस को भी काउंट करेगा। आप ड्रैग करके इसको ऐसे फाइंड आउट कर सकते हो कि सुमित जैन में कितने करेक्टर हैं, गगन वर्मा में कितने करेक्टर हैं, रवि कुमार में कितने करेक्टर हैं, सचिन गोयल में कितने करेक्टर हैं। आगे हम अप्लाई करेंगे फंक्शन है लोर फंक्शन। लोर का मतलब जब हमें अपने टेक्स्ट को लोअर लेटर्स में कन्वर्ट करना हो, यानी कि स्मॉल लेटर में। तो मान लीजिए ये जो फादर नेम लिखा हुआ है, फादर नेम मिस्टर मोहित जैन, तो हम चाहते हैं इसमें जितने भी करेक्टर हैं ये स्मॉल लेटर में कन्वर्ट हो जाएं। जब हमें अपने टेक्स्ट को स्मॉल लेटर में कन्वर्ट करना हो तब हम ये लोअर केस का यानी के लोअर फंक्शन का यूज करते हैं। तो आपने एंटर करना है, तो आप देख सकते हो ये इसने जो ये नाम लिखा हुआ था मोहित, मिस्टर मोहित जैन, इसको स्मॉल लेटर में कन्वर्ट कर दिया। और ड्रैग करके आप अगर इसको अगले सेलों में ड्रैग करके लेके जाओगे तो सभी जितने भी ये फादर नेम लिखे होंगे उनको लोअर केस में ये कन्वर्ट कर देगा। ऐसे ही अगली ऑप्शन है मिड। मिड फंक्शन है ये मिड फंक्शन क्या काम करता है, ध्यान देखिएगा, ये मिड फंक्शन क्या काम करता है, जितने भी आपके मिड की वैल्यू अगर आपने अपने किसी टेक्स्ट में से निकालनी हो, जैसे अभी हमने लेफ्ट वैल्यू निकाली थी, ये देखिए अभी हमने ये राजन सुमित ये लेफ्ट वैल्यू निकाली थी, यानी कि लेफ्ट टेक्स्ट निकालना था अपने एक टेक्स्ट में से। लेकिन अगर हमने मिडल वैल्यू निकालनी है, जैसे ये एड्रेस देखिए, एड्रेस के अंदर ये जो 01 है, 02 है, 03 है, जो ना तो लेफ्ट में है ना राइट में है, ये मिडल में पड़ा है, 03, 04, 05, ये हम निकालना चाहते हैं, तो आपने ये मिड फंक्शन का यूज करना है। इक्वल टू मिड लिखना है, ब्रैकेट स्टार्ट करनी है, और इस टेक्स्ट का आपने इसका एड्रेस देना है B2, और फिर कॉमा डालना है। अब ये आपसे पूछ रहा है कि आपने जो ये निकालनी है वैल्यू वो कौन से करेक्टर से स्टार्ट होती है। ये देखिए 842, ध्यान से देखिए इस एड्रेस को, अभी ध्यान से ये फॉर्मूला तभी समझ में आएगा अगर आप इस एड्रेस को ध्यान से देखोगे। ये 842 हाइफन, तो टोटल करेक्टर कितने हो गए, 842 हाइफन डाल के ये टोटल 4 करेक्टर है। 4 करेक्टर के बाद की जो वैल्यू है 0, ये 5th करेक्टर के ऊपर आती है, जहां से हमने वैल्यू निकालनी है हमने 01 निकालना है। तो ये 0 जो स्टार्टिंग हमना हमारा करेक्टर है जो हमने निकालना है, ये कहां से स्टार्ट होता है, ये स्टार्ट होता है 1 2 3 4 5, यानी कि ये 5th करेक्टर है 0, जहां से हमने ये वैल्यू निकालनी है। तो आपने यहां पे 5 लिखना है कि मुझे 5th करेक्टर से निकालना है, फिर आपने कॉमा डालना है, फिर आपने ये बताना है कि कितने करेक्टर निकालने हैं, हमने सिर्फ 2 करेक्टर निकालने हैं, यानी कि जो करेक्टर हमने निकालने हैं 01, ये 0 जो है 5th नंबर से यानी कि 5th पोजीशन से स्टार्ट होती है, और टोटल हमने 2 करेक्टर निकालने हैं। ये ध्यान से देख लीजिए हमने ये कैसे मिड फंक्शन का यूज करना है। ब्रैकेट बंद, एंटर कीजिए, ये देखिए इसने 01 आपका ये टेक्स्ट निकाल दिया है। आइए आपको एक बार अच्छी तरह से फिर दिखाता हूं, ध्यान दीजिएगा, ये देखिए ये जो एड्रेस है इसको देखिए, अगला एड्रेस देखते हैं। एक बार फिर अप्लाई करेंगे इक्वल टू मिड, हमने इस एड्रेस में से निकालना है कॉमा, और ये हमारा एड्रेस स्टार्ट होता है 5th से, ये भी 5th से ही स्टार्ट होता है, इसकी लोकेशन भी 5th है, जो वैल्यू यानी कि जो टेक्स्ट हमने निकालना है 1st 2nd 3rd 4th 5th, तो ये भी जो वैल्यू हम निकालने वाले हैं 5th लोकेशन से स्टार्ट होती है, तो यहाँ से हमने निकालना है। तो यहाँ पे हम 5 देंगे और कॉमा डाल देंगे कि हमने कितने करेक्टर निकालने हैं, 2 करेक्टर निकालने हैं, ब्रैकेट बंद करेंगे, एंटर करेंगे, तो ये इसने निकाल दिए। तो हमारे सारे ही अगर आप देखोगे
फिफ्थ करेक्टर से ही, यानी कि फिफ्थ लोकेशन से स्टार्ट हो रहे हैं। जो भी हमने करेक्टर पहला निकालना है, जीरो जीरो जीरो, ये सभी फिफ्थ लोकेशन से स्टार्ट हो रहे हैं। तो बेटा अब हम इसको ड्रैग कर देते हैं, बस जैसे ही ड्रैग करोगे ये सारे मिडल की वैल्यू 0 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 इसमें हमें निकाल के दे दी है। तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर है, तो चलिए आगे चलते हैं। तो ये हमने एक शीट और बना रखी है जिसके अंदर कुछ और हमारे इस टेक्स्ट के फंक्शंस हैं, तो इनकी हम अब डिस्कशन करेंगे। तो इसको भी बड़े ध्यान से देखना है। जैसे हमने एक पासवर्ड रखना है, ये मोबाइल नंबर देख रहे हो, ये मोबाइल नंबर देखिए, हम चाहते हैं ये मोबाइल के जो लास्ट 5 करेक्टर हैं, ये हम एक पासवर्ड रखना चाहते हैं अपने इन इम्प्लॉइज का। ये इम्प्लॉइज की स्टेटमेंट है, इम्प्लॉई का नेम कोड है उसका, ये उसका एड्रेस है, ये उसका मोबाइल नंबर, उसका ये एक नंबर है, और ये पासवर्ड जो हम रखना चाहते हैं, ये इसका जो मोबाइल नंबर है इसके आखिरी 5 करेक्टर हमने उठाने हैं। तो इसके लिए भी हम क्या लगा सकते हैं, ये फंक्शन यूज कर सकते हैं, राइट फंक्शन। हम राइट फंक्शन यूज करेंगे कि हमने राइट से वैल्यू उठानी है। तो लेफ्ट से आपको उठानी आ गई वैल्यू, आपको मिडल से कैसे निकालनी है वो पता चल गया, अब हमें राइट से टेक्स्ट को कैसे निकालना है। वेरी सिंपल, राइट वर्ड हम फंक्शन यूज करेंगे, इसका एड्रेस देख देंगे और उसके बाद कॉमा डालेंगे, और उसके बाद आपने जो जितने करेक्टर निकालने हैं राइट में से, हमने निकालने हैं ये 7 8 9 9 0, यानी कि 5 करेक्टर निकालने हैं। 5 लिख के ब्रैकेट बंद कर देंगे, तो ये देखिए इसने 0 9 9 8 7 राइट से निकाल दिया। लेफ्ट से निकालना है तो लेफ्ट फंक्शन, मिडल से निकालना है तो मिड फंक्शन, अगर राइट से निकालना है तो राइट फंक्शन। तो सभी के अंदर ये आखिरी 5 निकालने हैं, तो ये आप ड्रैग कर दीजिए तो सभी के अंदर से आखिरी 5 करेक्टर ये आपके लिए निकाल देगा। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आया। ऐसे ही अब हम अगला फंक्शन करेंगे, तो ये फंक्शन की कहानी आपको क्लियर है। अगला फंक्शन हम इस कोड के ऊपर अप्लाई करेंगे, जैसे कि ये देख रहे हो कोड GT/4010 कोड है ये सुमन गोयल का। हम चाहते हैं इस कोड को थोड़ा सा बदलना, यानी कि ये जो कोड है हम यहाँ पे 1000 चाहते हैं, यानी कि 4010 की जगह हम यहाँ पे ऐसा करते हैं GT-4101। हम चाहते हैं ये कोड थोड़ा सा बदल जाए, हम इतना पूरा कोड दोबारा नहीं लिखना चाहते, हम चाहते हैं ये जो आखिरी के 3 करेक्टर हैं जो 010 है ये 101 में कन्वर्ट हो जाए। तो यानी कि हम रिप्लेस करना चाहते हैं, इसको बोलते हैं रिप्लेस करना, कि अगर हमने टेक्स्ट में अपने टेक्स्ट में कुछ करेक्टर को रिप्लेस करना हो, कुछ करेक्टर को, जैसे ये GT-4010 है, हम इसको 4101 बनाना चाहते हैं, यानी कि ये 0110 है, हम इसको 101 बनाना चाहते हैं। तो आपने ये इक्वल टू प्रेस करना है, यहाँ पे हम लिखेंगे रिप्लेस, क्या लिखेंगे, रिप्लेस का यूज करेंगे, यानी कि रिप्लेस टेक्स्ट फंक्शन का यूज करेंगे। नाम से ही पता चल रहा है कि हम कोई टेक्स्ट को रिप्लेस करना चाहते हैं, तो आपने इसका एड्रेस दे देना है कोड का, यानी कि इसमें से हमने रिप्लेस करना है B2 में से कॉमा। आपने स्टार्टिंग नंबर बताना है कि कौन से नंबर से रिप्लेस स्टार्ट करना है आपने, ये 4 के बाद जो अगला वैल्यू है, अगली वैल्यू है 0, इसकी लोकेशन हम इसको बताएंगे, ये इसकी लोकेशन बैठेगी 1 2 3 4 5। तो ये जो 0 है जहां से हमने रिप्लेस करना है ये फिफ्थ लोकेशन के ऊपर है, तो आपने यहाँ पे 5 देना है और उसके बाद आपने कॉमा डालना है। और कितने करेक्टर आपने रिप्लेस करने हैं, हमने 3 करेक्टर रिप्लेस करने हैं 010, तो हम 3 लिखेंगे, उसके बाद फिर कॉमा डालना है। आपने जो नया नंबर डालना है वो आपने इन्वर्टेड कॉमा में डाल देना है 101। हम इस वैल्यू को जो ये 010 है इसको 101 करना चाहते हैं, ब्रैकेट बंद, एंटर कीजिए। तो ये देखिए GT-4101 ये वैल्यू कन्वर्ट हो गई है, यानी कि हमारा काम आसान, हमें सारे करेक्टर चेंज नहीं करने पड़े, हमने रिप्लेस के जरिए इन करेक्टर को चेंज कर दिया। आगे हम फिर लिखेंगे रिप्लेस, क्योंकि आगे हम चाहते हैं फिर इसी को सिलेक्ट करेंगे, यानी कि B3 को, अब कॉमा, हमने नंबर उठाना है फिफ्थ लोकेशन से,
कि हमने फिफ्थ लोकेशन से यानी कि जीरो से नंबर बदलने हैं, टोटल 3 करेक्टर बदलने हैं, कॉमा यहाँ पे डालेंगे, हमें यहाँ पे करना है 102, तो ये हमें हर सेल के अंदर डालना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। तो हर सेल के अंदर आप ऐसे ही रिप्लेस करके इनकी वैल्यूज को चेंज कर सकते हो, यानी के आप टेक्स्ट के अंदर कोई भी करेक्टर अगर चेंज करना चाहे तो चेंज कर सकते हो। तो आगे ऑप्शन है रिपीट की, तो नाम से ही पता चल रहा है रिपीट। रिपीट का मतलब अगर हमें कोई टेक्स्ट को बार बार रिपीट करना हो, जैसे ये 6 नंबर है, 7, 8, ये जो 6 नंबर है हम इसको चाहते हैं 5 बार लिखना, यानी कि 6, 6, 6, 6, 6, ये हमें एक नंबर लिखना है, ये एक बार लिखा हुआ है, हम इसको 5 बार लिखना चाहते हैं, तो आप रिपीट ऑप्शन का यूज कीजिए। अगर आपको कोई करेक्टर रिपीट करना होता है तो आपको वो लिखने की जरूरत नहीं है, वो आप रिपीट फंक्शन के जरिए उसको बार बार रिपीट कर सकते हैं। जैसे रिपीट हम स्टार्ट करेंगे ब्रैकेट और यहाँ पे ये नंबर सेलेक्ट कर लेते हैं 6, और उसके बाद कॉमा डालेंगे और वो हमसे पूछ रहा है नंबर ऑफ टाइम्स कि हमें इस नंबर को कितनी बार रिपीट करना है। तो हम यहाँ पे दे देते हैं कि हमें इस नंबर को 5 टाइम्स रिपीट करना है। तो पहले हम उस सेल का एड्रेस देंगे जिस सेल के अंदर हमारा कैरेक्टर पड़ा है, और उसके बाद वो पूछेगा कितनी बार इस नंबर को रिपीट करना है, यानी कि इस सेल के अंदर जो भी पड़ा है वो उसको आपको कितनी बार उस करेक्टर को रिपीट करना है 5 टाइम। तो हम ब्रैकेट बंद कर देंगे, एंटर, तो आप देखोगे उसने उसको 6 को 5 टाइम 6, 6, 6, 6, 6, 6 लिख दिया, यानी कि आपको लिखने की जरूरत नहीं। अगर आप इसको ड्रैग कर दोगे तो जितने भी नंबर हैं 7, 8, जो 9 है, 0 है, 3 है, 4 है, 5 है, ये सारे नंबर क्या होंगे, रिपीट हो जाएंगे ऑटोमेटिकली, यानी कि 5 टाइम हम उनको रिपीट कर सकते हैं। 5 टाइम कीजिए, 2 टाइम कीजिए, 10 टाइम कीजिए, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितने टाइम्स इसको रिपीट करना चाहते हैं। तो चलिए नेक्स्ट हमारे ऑप्शन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा ये फंक्शन है ट्रिम फंक्शन, तो ये ट्रिम क्या करता है, जैसे ध्यान से देखिएगा, ये हमारे एम्प्लॉइज की स्टेटमेंट के नाम देखिए, इनके अंदर सुमन के बाद जो नाम लिखा हुआ है गोयल, इनके बीच में बहुत ज्यादा स्पेस डाल दी गई है, पवन मल्होत्रा, इसके बीच में बहुत स्पेस है। अगर आप चाहते हो कि ये स्पेस, जो फालतू स्पेस है, एक्स्ट्रा स्पेस है, उसको खत्म कर दे, जो एक्स्ट्रा स्पेस है उसको रिमूव कर दे और एक स्पेस रह जाए आपके करेक्टर्स के बीच में, पुनीत जैन ओनली वन स्पेस, सुमित कुमार ओनली वन स्पेस आपको अगर चाहिए, तो हम ये ट्रिम फंक्शन यूज करते हैं। ये ट्रिम फंक्शन क्या करता है कि जो टेक्स्ट के बीच में एक्स्ट्रा अननेसेसरी स्पेसेस होती हैं उनको रिमूव कर देता है। तो आपने इस सेल का एड्रेस देना है बस A2 यहाँ पे, इसके बाद ब्रैकेट बंद कर देनी है और एंटर करना है, तो आप देखोगे कि जो इनके बीच में इतना स्पेस था वो सारा रिमूव हो गया, ओनली वन स्पेस रह गई है। तो आप ड्रैग कीजिए इसको, तो आप देखोगे कि सभी के अंदर जितने भी नाम है एक स्पेस आ गई है, जिनके बीच में ज्यादा स्पेस थी वो रिमूव कर दी है इसने। तो इस तरीके से हम ये स्पेस को रिमूव करते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर है। तो चलिए लास्ट है हमारा ये फंक्शन का अपर केस। तो अपर केस के अंदर नाम से ही पता चल रहा है कि अगर हमने अपने टेक्स्ट को, ये जो हमारा टेक्स्ट लिखा हुआ है सुमन गोयल, पवन मल्होत्रा, पुनीत जैन, इनको कैपिटल लेटर के अंदर अगर हमने कन्वर्ट करना है तब हम इसका यूज करते हैं। जैसे इक्वल टू हम लिखेंगे अपर ब्रैकेट स्टार्ट, और उसके बाद हम यहाँ पे पहले सेल का एड्रेस A2, और उसके बाद हम ये ब्रैकेट बंद कर देंगे, एंटर करेंगे, तो आप देखोगे ठीक है स्पेस तो उतनी ही है, या ऐसा करते हैं वहां पे अप्लाई नहीं करते, एड्रेस चेंज कर देते हैं, दोबारा एक बार अप्लाई करेंगे अपर, ये जो हमने ट्रिम किया है इसके ऊपर अप्लाई कर देते हैं I2, तो इसके अंदर की जो वैल्यूज है यानी कि जो टेक्स्ट है इसको हम अपर केस में कन्वर्ट कर देते हैं। पहले हमने ट्रिम कर दिया, अब हम चाहते हैं ये जो नाम है अपर केस में कन्वर्ट हो जाए, और इसको ड्रैग कर दीजिए, तो आप देखोगे जितने भी नाम है ये सारे के सारे अपर केस के अंदर क्या हो गए हैं, कन्वर्ट हो गए हैं। तो ये तरीका है अपर केस के अंदर अपने टेक्स्ट को कन्वर्ट करने का। तो ऐसे हम ये अपर केस में कन्वर्ट करते हैं। तो कहानी क्लियर, ट्रिम ऑप्शन, अपर ऑप्शन।
तो मेरे ख्याल से आपको ये सारी कहानी आज की जो मैंने बताई समझ में आ गई होगी। तो आज हमने ये सीखे, कौन कौन से फंक्शन सीखे, आज हमने ये ट्रिग फंक्शन जो हमने सीखे हैं, तो आपने इनको ऐसे अच्छी तरह से ध्यान देना है और इनको समझना है। तो आज की कहानी हमारी यहीं तक।